नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण दुनिया का सबसे अहंकारी और क्रूर राक्षस था। वैसे तो धर्म ग्रंथ में उसके अहंकार से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं, लेकिन रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। दोस्तों, इस गलती के कारण अमरता के वरदान प्राप्त रावण को इसके परिणाम स्वरूप मौत का मजा चखना पड़ा। दोस्तों, हालांकि ग्रंथों के विपरीत रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला पंडित भी माना जाता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि रावण ने मरने से कुछ क्षण पहले कलयुग से जुड़ी ज्ञान की बातें बताई थीं। दोस्तों, मरते वक्त रावण ने कलयुग से जुड़ी तीन खतरनाक बातें बताई थीं। या ऐसी बातें हैं जिन पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति गौर कर ले और उन बातों को अपने जीवन में बांध ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी भी धोखा, निराशा और पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, श्री राम और रावण के युद्ध के अंतिम क्षण में जब राम द्वारा रावण को तीर मारा जा चुका था, उस तीर के वार से जिस समय रावण मरने की ओर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था और कहा था कि उसके पास जाकर बड़े आदर से बैठ जाना और उससे कहना हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। दोस्तों, लक्ष्मण ने वैसा ही किया। लक्ष्मण रावण के पास जाकर आग्रह करने पर रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान की तीन बातें बताई जो आज के समय के लिए बहुत ज्ञानवर्धक हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वीडियो के माध्यम से वो कौन सी तीन बातें हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, उस महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उन बातों के बारे में जरा विस्तार से जो मरने से पहले रावण ने कही थी। दोस्तों, मरने से पहले रावण ने कहा था कि जीवन के अंदर जो भी शुभ काम है उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम है उसे जितना देर हो सके उतना टालना चाहिए, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। रावण ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने श्री राम को पहचानने में भूल की, जिसके कारण आज मेरी यह हालत हुई है। दोस्तों, रावण के अनुसार कभी भी शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी है। रावण ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, अंत में रावण ने बताया कि जीवन में अपने राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपके लिए कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने इस पर भी खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने अपने राज विभीषण को बताए, इसलिए आज मैं विनाश के मुहाने पर खड़ा हूं। तो दोस्तों, ये थे मरते वक्त रावण के द्वारा जीवन से जुड़ी कुछ तीन महत्वपूर्ण बातें जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आने पर आप श्री राम के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।